साथियों, 2014 के बाद से हमारी सरकार ने भारत के डेयरी सेक्टर के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए निरंतर काम किया है। आज इसका परिणाम मिल्क प्रोडक्शन से लेकर किसानों की बड़ी आय में भी नजर आ रहा है। 2014 में भारत में 146 मिलियन टन दूध का उत्पादन होता था, अब ये बढ़कर 210 मिलियन टन तक पहुंच गया है, यानी करीब करीब 44% की वृद्धि। आज पूरे विश्व में मिल्क प्रोडक्शन 2% की रफ्तार से बढ़ रहा है, जबकि भारत में इसकी रफ्तार 6% से भी ज्यादा है। भारत में दूध की पर कैपिटा अवेलेबिलिटी पूरे विश्व के औसत से कहीं ज्यादा है। बीते 3-4 वर्षों में ही भारत के छोटे किसानों ने बैंक खातों में हमारी सरकार ने करीब 2,00,000 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए हैं। इसका बहुत बड़ा हिस्सा डेयरी सेक्टर से जुड़े किसानों के खातों में भी आया है। साथियों, आज हमारा फोकस देश में एक संतुलित डेयरी इकोसिस्टम के निर्माण पर है। एक ऐसा इकोसिस्टम जिसमें हमारा ध्यान दूध और उससे जुड़े उत्पादों की क्वालिटी पर तो है ही, बल्कि दूसरी चुनौतियों के समाधान पर भी है। किसान को अतिरिक्त आय, गरीब का सशक्तिकरण, स्वच्छता, केमिकल फ्री खेती, क्लीन एनर्जी और पशुओं की केयर, ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं। यानी हम डेयरी सेक्टर को, पशुपालन को भारत के गांवों में ग्रीन और सस्टेनेबल ग्रोथ का बहुत बड़ा माध्यम बना रहे हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, गोवर्धन योजना, डेयरी सेक्टर का डिजिटाइजेशन और पशुओं का यूनिवर्सल वैक्सीनेशन, इसी दिशा में हो रहे प्रयास हैं। इतना ही नहीं, भारत ने जो सिंगल यूज प्लास्टिक बंद करने का जो अभियान चलाया है वह एनवायरमेंट की दृष्टि से तो महत्व का है ही, लेकिन जो भी जीव दया में विश्वास करते हैं, जो पशुधन में उसके कल्याण में विश्वास करते हैं, उनको मालूम है कि प्लास्टिक पशुओं के लिए कितना खतरनाक बनता जा रहा है, गाय और भैंस के लिए कितना खतरनाक बनता जा रहा है। उस सिंगल यूज प्लास्टिक को भी बंद करने का, खत्म करने का हमने बहुत लगातार प्रयास आरंभ किया है।